एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मार्क टीवी में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उस राज्य के बारे में जानेंगे जो पूरा का पूरा स्टेट एक टूरिस्ट पैलेस है। हम बात कर रहे हैं गोवा की। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल मार्क टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोवा के प्राचीन इतिहास का आरंभ 3rd शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई। बाद में 1st शताब्दी के आरंभ में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर 580 ईस्वी से 750 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग हुक्मरानों ने हुकूमत की। 1312 ईस्वी में गोवा पहली बार देहली सल्तनत के ताबे हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के हुक्मरानों ने वहाँ से खदेड़ दिया और अगले 100 सालों तक विजयनगर के हुक्मरानों ने हुकूमत की और 1469 में गुलबर्ग के बाहमी सुल्तान ने फिर से देहली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। बाहमी हुक्मरानों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहां कब्जा हुआ, जिसने गोवा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। 1498 में वास्को डिगामा गोवा आने वाला पहला यूरोपियन मुसाफिर था जो समुंदर के रास्ते यहाँ आया था। उसके इस कामयाब मुहिम ने यूरोप की दीगर ताकतों को भारत पहुँचने के लिए दूसरे समुद्री रास्तों की तलाश के लिए राज़ी कर लिया, क्योंकि तुर्कों के बनाए गए रास्तों को बंद कर दिया गया था। 1510 में पुर्तगाल नौसेना ने अपने मकामी मुगल बादशाह को हराकर पुर्तगालियों ने यहाँ के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ से पुर्तगाल अपनी एक बुनियाद बनाना चाहते थे जहाँ से वो मसाले का कारोबार कर सकें। 16वीं सदी तक पुर्तगालियों ने आज के गोवा में पूरी तरह से अपनी हालत बेहतर कर ली थी। 16वीं शताब्दी से सन 1998 तक गोवा की करेंसी रुपया थी। सन 1871 के बाद गोवा में इस्तेमाल होने वाले सिक्के कोलकाता में बनाए जाते थे। ये सिक्के वजन और चांदी के माप में ब्रिटिश इंडिया के सिक्के जैसे थे। इससे गोवा और पूरे भारत में कारोबार करने में आसानी होती थी। 1998 में पुर्तगाल हुकूमत ने गोवा की करेंसी रुपया से बदल कर स्कूडो कर दिया। एक पुराना रुपया 6 स्कूडो के बराबर था। 19 दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने यहां हमला करके इस राज्य को मुक्त करवाया और इस तरह गोवा भारत में शामिल हुआ। गोवा और इसके उपक्षेत्र दमन और दीव को भारत के संविधान के तहत संघीय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान संशोधन के तहत इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया और इस तरह गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में कुल 2 जिले हैं जिन्हें उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के नाम से जाना जाता है। इन जिलों के मुख्यालय पणजी और मडगांव हैं। रकबे के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आबादी के हिसाब से 4th सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा समुद्र के किनारों की वजह से मशहूर है। गोवा के इतिहास के बारे में हमने जान लिया, अब हम टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर अगवाड़ा फोर्ट है। अगवाड़ा फोर्ट पुर्तगालियों ने बनवाया था। इस किले को बनाने में सिर्फ 3 साल लगे थे। ये किला अगवाड़ा सेंट्रल जेल के पास है, कंडोलियम बीच के ऊपर। ये किला साल के 365 दिन खुला रहता है। यहाँ विजिट करने के लिए आपको किसी को कोई चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर कंडोलियम बीच है। कंडोलियम बीच अगवाड़ा फोर्ट के पास है। इस बीच को गोवा का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये बीच पणजी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवा का कंडोलियम बीच खास तौर पर हनीमून मनाने वालों के लिए मशहूर है। इस बीच पर रिवर प्रिंस जहाज भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जाना बिल्कुल फ्री है। तीसरे नंबर पर दूध सागर वाटरफॉल्स के बारे में जानेंगे। ये जगह पणजी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दूध सागर वाटरफॉल्स कोलम नेशनल पार्क के अंदर है। ये वाटरफॉल्स 1017 फीट की ऊँचाई से नीचे गिरता है और जब इसका पानी इतनी ऊँचाई से नीचे गिरता है तो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद लगता है। इसीलिए इस वाटरफॉल को दूध सागर वाटरफॉल्स कहा जाता है। यहाँ पे बारिश के टाइम सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। बारिश के टाइम इसका नज़ारा देखने लायक होता है। आप भी बारिश के मौसम में आ सकते हैं। कोलम से जीप सफारी से दूध सागर का सफ़र तय किया जा सकता है। जीप से उतरने के बाद आपको 10 मिनट तक पैदल चलना होगा। यहाँ की एंट्री फ़ीस 50 रुपये है। सीजन के हिसाब से एंट्री फ़ीस में बदलाव होते रहते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सिंक्वेरियम बीच के बारे में। सिंक्वेरियम बीच गोवा की उत्तरी इलाके में है। गोवा की राजधानी पणजी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच पर एक किला भी है जिसे सिंक्वेरियम किले के नाम से जाना जाता है। ये बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में होने के बावजूद बहुत पुरसकून रहता है।
इस बीच पर देश विदेश से आए हुए लोगों की भीड़ जमी रहती है। यहाँ विजिट करना बिल्कुल फ्री है। पाँचवें नंबर पर हम चापोरा फोर्ट के बारे में जानेंगे। चापोरा फोर्ट को शाहपुरा के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को बादशाह आदिल शाह ने बनवाया था। ये किला पंजी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये किला आमिर खान की फिल्म दिल चाहता है में भी दिखाया गया है। इस किले से आप दूर दूर तक फैले समंदर के खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। देश विदेश से इस किले को देखने के लिए आते हैं लोग। इस किले में एंटर करना बिल्कुल फ्री है। छठे नंबर पर हम बागा बीच के बारे में जानेंगे। बागा बीच गोवा की सबसे मशहूर बीच है। गोवा की राजधानी पणजी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बागा बीच के नाइट लाइफ की चर्चे पूरी दुनिया में हैं। बागा बीच पर पूरे दिन आप समुद्र के मजे ले सकते हैं और रात को पार्टी कर सकते हैं। लोग पूरी दुनिया से छुट्टियों में यहाँ घूमने आते हैं। बागा बीच के आसपास बहुत सारे नाइट क्लब हैं जहाँ रात में लोग नाइट लाइफ के मजे लेते हैं। बागा बीच के आसपास रहने के लिए होटल आसानी से मिल जाएगा। बागा बीच शॉपिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ की सड़कों पर बाज़ार लगते हैं जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर विज़िट करना भी बिल्कुल फ्री है। सातवें नंबर पर हम डेल्टन रॉयल के बारे में जानेंगे। डेल्टन रॉयल गोवा ही नहीं इंडिया का सबसे बड़ा कसिनो है। ये गोवा की मांडेवी नदी के बीच एक 5 मंजिला जहाज पर है। इस जहाज के 3 मंजिल पर कसिनो है जिसमें 123 गेमिंग टेबल और 850 गेमिंग पोजीशन है। इसके अलावा 30 रूल टेबल है और इंडिया का सबसे बड़ा पोकर रूम है। यहाँ गेमिंग के अलावा आपको लाइव एंटरटेनमेंट की भी सुविधा मिलेगी। डेल्टन रॉयल में आप फ्लोर शो, स्टैंड अप कॉमेडी जैसे चीज़ों का मजा उठा सकते हैं। 3 पत्ती खेलने के लिए VIP रूम भी है। यहाँ करोड़ों रुपए पोकर और 3 पत्ती खेलने में उड़ा देते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक दिन में करोड़ों कमा भी लेते हैं और करोड़ों गंवा भी देते हैं। यहाँ कई लोग पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। इस जहाज़ में एंट्री फीस 3,000 है और VIP एंट्री फीस 4,500 है। आठवें नंबर पर हम बात करेंगे हाउस ऑफ गोवा म्यूजियम की। गोवा वैसे तो समुद्र तट यानी बीचेस के लिए ज़्यादा मशहूर है, पर गोवा के इतिहास को बाकी रखने के लिए यहाँ म्यूजियम बनाया गया है जहाँ आप गोवा के पुराने ज़माने की याद ताज़ा कर सकते हैं। इस म्यूजियम का अंदरूनी और बाहरी डिज़ाइन गोवा के मशहूर आर्किटेक्ट गियर्ड द कुहा ने तैयार किया है। इसमें गोवा की वस्तुकला के इतिहास को नमूने की मदद से दिखाया गया है। गोवा के मशहूर पेंटर मारियो मिरांडा की पेंटिंग भी यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपीस है। 9वें नंबर पर हम थलासा रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे। गोवा का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ आप दुनिया के हर लजीज फूड का मजा ले सकते हैं। ये रेस्टोरेंट के साथ साथ एक रिसोर्ट भी है जहाँ आपको स्विमिंग पूल की सुविधा मिलेगी। इस रेस्टोरेंट में साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। ये रेस्टोरेंट गोवा के विद्दी लीलिम इलाके में है। 10वें नंबर पर हम अंजुना बीच के बारे में जानेंगे। अंजुना बीच विदेशी मुसाफिरों के बीच ज़्यादा मशहूर है और जो सस्ते गेस्ट हाउस की तलाश में रहते हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको कम पैसे में अच्छे से अच्छा गेस्ट हाउस मिल जाएगा। ये बीच पणजी से 21 किलोमीटर की दूरी पे है। इस बीच का कुल रकबा 2 किलोमीटर का है। जो भी इस बीच पर आता है यहाँ की खूबसूरती उसे जाने नहीं देती। समुद्र के किनारे छोटे छोटे चट्टानों के बीच आसपास होटलों में रहने वाले मुसाफिर अक्सर सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर रात को सड़कों पर घूमने का मज़ा भी ले सकते हैं। कैली लिलपुट में कुछ टेक्नो में डांस करके लुत्फ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए इलाके के साथ।